26 मार्च से आईपीएल 2022 की शुरुआत होनी है। इस बार दर्शकों को भी मैदान में जाने की इजाजत होगी। हालांकि इन सबके बीच मुंबई पुलिस की ओर से दी गई जानकारी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल मुंबई पुलिस की ओर से बीसीसीआई को दी गई जानकारी में आतंकी खतरे की बात की गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की रेकी की है, साथ ही होटल ट्राइडेंट की भी रेकी का दावा किया गया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ाने और दर्शकों को मैदान में खिलाड़ियों से दूर रखने की बात कही गई है। जिस रास्ते से खिलाड़ियों को आना है उस रास्ते की भी आतंकियों ने रेकी की है। मैच के दौरान आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा को दोगुनी करने की बात कही गई है। साथ ही होटल की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही खिलाड़ियों से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। आईपीएल मैचों के दौरान आतंकी खतरे की बात सामने आने के बाद आपको क्या लगता है? क्या दर्शकों को मैदान में जाने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल इनसाइड स्पोर्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।